जय श्री कृष्ण सभी भाइयों को। मैं ओम यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बाबू साहब के पिछवाड़े में लगी आग को बुझाना है, तो वीडियो को पूरा देखिए। दरअसल एक अजय सिंह नाम का रंदीपूत है बिहार का, जिसकी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। वो अजय सिंह नाम का रंदीपूत यादव समाज के बारे में अभद्र टिप्पणी करता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसको उसकी औकात दिखाना ज़रूरी था, इसलिए आज के वीडियो मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं आज के इस वीडियो में किसी समाज को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, और मेरे द्वारा कोई भी बात जो कही जाएगी वो किसी भी समाज को केंद्र में रख के नहीं कही जाएगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अजय सिंह नाम के रंदीपूत के लिए है, तो कोई दूसरा कमेंट में आके अपनी बकबक ना करे। सबसे पहले आप देखिए कि इस अजय सिंह नाम के रंदीपूत ने यादव समाज के खिलाफ किन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसके बाद इसको हम जवाब देंगे। क्या तेजस्वी जी, आप बोलते हैं कि बाबू साहब, अरे बाबू साहब तो बाबू साहब रहेगा, अब तुम यादव रहोगे तो यादव रहोगे। सर अखिल तुम्हें घुटना में ना होता है, यहाँ तो होता नहीं है तुम लोग का। एक बात ध्यान देना कि कभी तुम बदल नहीं सकते हो, राज करना है तो राज करके ही रहेंगे। और तुम बोलते हो सीना तान के, तो सीना तान के तुम घूमो, तुमको योगा है क्या? तुमको जो काम करना है दूध दूना है, दूध दूहो साले, पढ़ाई लिखाई किया नहीं, बाप जो बोला तुम ही वही बोल रहे हो। तो सुना आपने किस प्रकार से ये घमंड में कह रहा है कि बाबू साहब तो बबुए साहब न रहेंगे। तो सुन बे अजय सिंह नाम के रंदीपूत, क्या होता है बाबू साहब, कौन सी बाबू साहब नाम की जाति है? हमारे यहाँ तो कोई बाबू साहब नाम की जाति नहीं है। और मुझे एक डॉक्यूमेंट दिखा दे, एक दस्तावेज दिखा दे जिसमें बाबू साहब नाम की जाति लिखी हो। इस देश के अंदर बाबू साहब नाम की कोई जाति भी नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि बिहार के नेता तेजस्वी यादव जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एक रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने ये बयान दे दिया था कि जब इस बिहार के अंदर लालू यादव का राज था तो गरीब बाबू साहब के सामने सीना तान के चलते थे। तो इसने उस बाबू साहब को अपनी जाति से जोड़ लिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबू साहब कौन सी जाति होती है, कौन से दस्तावेजों में लिखा है कि बाबू साहब कोई जाति का नाम है? इस देश के अंदर कहीं भी बाबू साहब नाम की कोई जाति नहीं होती है। बिहार के 2 से 4 जिलों में एक जाति विशेष को सामाजिक रूप से पूर्व काल में बाबू साहब गरीब लोग कहा करते थे जो उनके खेतों में काम करते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी नहीं कहा जाता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि उस समय उन लोगों को बाबू साहब क्यों कहा जाता था। जो लोग बाबू साहब नाम से फक्र महसूस करते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ ये एक गाली थी, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें फक्र महसूस होता है। इसका इतिहास सुन लो बे, अजय सिंह नाम के रंदीपूत, इसका इतिहास सुन, अपनी माँ से पूछियो, अपने बाप से पूछियो और अपने परदादी के बारे में पूछियो कि बाबू साहब तेरे बाप दादाओं को क्यों बोला जाता होगा। दरअसल जब इस देश के अंदर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तो जिनके पास जमींदारियाँ हुआ करती थी बिहार के उन 2-4 ज़िलों के अंदर, वो लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे और उनके दिशा निर्देशों पर अपने ही देश के ग्रामीणों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। और अंग्रेजों को खुश करने के लिए बदले में वो जमींदार, जिन इलाकों में बोला जाता है, अपनी माताओं और बहनों को भी अंग्रेजों को खुश करने के लिए भेजा करते थे। जब अंग्रेज उनसे खुश हो जाते थे तो उनको बाबू साहब नाम की उपाधि दे देते थे। जो गरीब तबके के लोग थे उनको बाबू साहब बोलते थे, और इसीलिए ये लोग
फक्र महसूस करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, एक गाली के लिए अपने आप को तुम फक्र महसूस कर रहे हो, शर्म में डूब के मर जाना चाहिए। इसके बाद जो ये बयान देता है उसमें ये कहता है कि यादव तो यादव ही रहेंगे, उनकी बुद्धि घुटने में होती है। तो मैं इस अजय सिंह रंदीपूत को बता देना चाहता हूँ कि जाके पूछ ले अपनी बहनों से कितने यादवों के पास ब्याही हैं। तेरी बहनों की बात कर रहा हूँ, किसी समाज के बहनों की बात नहीं कर रहा हूँ। जाके पूछ लियो अजय सिंह रंदीपूत, उसके बाद में यादवों की बुद्धि के बारे में बात करियो। और मुझे बता, अगर तेजस्वी यादव ने ये कहा भी कि गरीब सीना तान के खड़े हो जाते थे तो तेरे पिछवाड़े में क्या दर्द हो रहा है? अगर गरीब सीना ताने तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है? हैं? और उसके प्रवक्ता ने, तेजस्वी यादव के प्रवक्ता ने साफ कर दिया था कि ये किसी जाति विशेष को नहीं बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है सरकारी अधिकारियों को, जिनको यूपी और बिहार में बाबू साहब कहा जाता है। तो जब उसने बोल दिया कि किसी जाति को नहीं बोला गया, तो तूने अपनी जाति से इसको क्यों लिंक कर लिया बे? और अगर तुझे लिंक भी किया, तुझे समस्या भी थी, तो तू तेजस्वी यादव को बोलता, पूरे समाज को बोलने की आखिर क्या ज़रूरत थी? पूरे समाज को गाली देकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अपराध कर दिया है, और समाज इसका बदला, इसका दंड तुझे ज़रूर देगा। इसके बाद ये अपनी वीडियो में कहता है कि तुम लोग दूध बेचते थे, यादव दूध बेचते थे। तो अजय सिंह रंदीपूत सुन, हम लोग दूध बेचते थे, हमें इस बात का फक्र है। दूध बेचना कोई गलत काम नहीं है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से तुझे गाय और भैंस से नफरत है और दूध से नफरत है, तेरी माँ ने ज़रूर तुझे कुतिया का दूध पिलाया होगा, इसीलिए तू आज कुत्ते के ज़रिए, कुत्ते के जैसे भौंक रहा है। तो ज़रूर तेरी माँ ने तुझे गाय और भैंस का दूध नहीं पिलाया होगा, तुझे ज़रूर एक कुतिया का ही दूध पिलाया होगा। समस्त बिहार के यादवों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इसकी शक्ल को ध्यान से देख लो, पूरी तरह से दिमाग में इसकी शक्ल को फिट कर लो। जैसे ही बिहार में इलेक्शन ख़त्म होंगे, इसको सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी बातें ये बोल चुका है, ये अपनी हैसियत भूल गया है, और इसको इसकी औकात दिखाना ज़रूरी है। बहुत बड़ा बाबू साहब नाम का घमंड हो रहा है इसके अंदर। मैं अजय सिंह रंदीपूत तुझे बता देना चाहता हूँ, तेरे जैसे बाबू साहब लटकते रहते हैं ओम यादव के, और अगर तूने ये बात किसी यादव के सामने बोल दी होती तो वो यादव तेरा बाबू साहब तेरे पिछवाड़े में घुसेल दिया होता। तेरी इतनी हैसियत नहीं कि आज के ज़माने में किसी गरीब के सामने, किसी के सामने तू इस तरह की बातें कर सके। और बनता है अपने आप को बड़का बाबू साहब, तेरा सारा बाबू साहब का घमंड चुनाव बीतने के बाद उतार दिया जाएगा। सभी यदुवंशी दिमाग में फिट कर लें, इसको चुनाव के बाद सबक सिखाना है। अगर हमने इसको सबक नहीं सिखाया तो ये समस्त यादव समाज का अपमान होगा। कल यानी संडे को मैं आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से हाजिर होऊंगा। आप लोगों ने जितने भी मुझे कमेंट किए हैं, उन कमेंट्स के कुछ रैंडमली हमने कमेंट्स को चूज़ किया है, उन रैंडमली कमेंट्स का मैं जवाब देने के लिए वो वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कमेंट में सबका जवाब दे पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप लोगों से मुलाकात मैं संडे को करूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।